આજે 7 ડિસેમ્બરને ભારતીય આર્મ ફોર્સ ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આજનો દિવસ એટલે દેશની સેના પ્રત્યે સન્માન પ્રગટ કરવાનો દિવસ અને દેશની તમામ પાંખના જવાનોને એકતા પ્રગટ કરવાનો દિવસ, જેણે દેશ માટે પોતાનું બલિદાન આપ્યું છે, જેમણે દેશની સરહદ પર નહીં પરંતુ દેશની અંદરમાં રહેલા આતંકીઓ, માઓવાદીઓ, નક્સલવાદીઓ સામે રક્ષણ આપી રહ્યા છે અને દેશના લોકોની સુરક્ષા માટે પોતાનું બલિદાન આપ્યું છે. ત્યારે સોશિયલ મીડિયા પર હેશટેગ આર્મ ફોર્સિસ ફ્લેગ ડે નો ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે. રાજકીય નેતાઓ સહિતના દેશવાસીઓ ટ્વીટ કરી આજના દિવસની શુભકામના પાઠવી રહ્યા છે. તો આજના દિવસે દેશના વેલફેર ફંડમાં પોતાનું યોગદાન આપવા માટે 8800462175 પર પેટીએમ દ્વારા ફંડ આપી શકો છો. તો નેટ બેન્કિંગ અને કાર્ડથી પે કરવા માટે ksb.gov.in પરથી પણ યોગદાન આપી શકાય છે. कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं. दोस्तों 7 दिसंबर हम सबके लिए एक बहुत ही खास दिन है क्योंकि 7 दिसंबर को है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे. ये एक दिन है जब हम न सिर्फ अपने देश के सैनिकों को अपना शुक्रिया अदा कर सकते हैं बल्कि उन्हें हम अपना समर्थन भी दे सकते हैं. इसके लिए एक फंड है, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड. इस फंड में जितनी भी राशि जमा की जाएगी उसका इस्तेमाल होगा शहीद सैनिकों की विधवाओं के लिए, उनके बच्चों के लिए और विकलांग सैनिकों की देखभाल के लिए. आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में योगदान देने के लिए इस पोस्ट के साथ जो लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक करें और जितना भी हो सके आप अपना योगदान दें. हमारे एक एक रुपए की अहमियत है. इसके साथ साथ हम अपने देश के सैनिकों को, अपने जवानों को अपना प्यार दिखा सकते हैं. हमारे दिल में जो उनके लिए इज्जत है वो हम उन्हें दिखा सकते हैं. और इसके साथ साथ आपका अगर कोई मैसेज हो हमारे जवानों के लिए, चाहे वीडियो के जरिए या फोटो के जरिए, आप भेज सकते हैं. इसके लिए हैशटैग है #armedforcesflagday. आइए दोस्तों हम अपने सैनिकों को दिखाएं कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. जय निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर. हमारे देश के जवान हमारे लिए कितना कुछ करते हैं और तो और बिना सोचे अपनी जान तक दे देते हैं. इन्हीं जवानों की याद में हर साल 7 दिसंबर को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे बनाया जाता है. इन वीरों की याद में आप इन्हें अपना धन्यवाद पहुंचा सकते हैं आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड के जरिए, जहां से सारी जमा की हुई राशि शहीदों के परिवार, उनके बच्चे और घायल जवानों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. तो अभी जाइए स्क्रीन पर आए हुए लिंक पर अपना योगदान देने के लिए और मनाएं इस दिन को 1 से 7 दिसंबर के बीच ये झंडे के साथ जो कि तीनों सेनाओं का प्रतीक. तो शेयर करें अपने फोटोज और वीडियोस हमारे आर्म फोर्सेस को शाबाशी देते हुए #armedforcesflagday के साथ. याद रखिएगा वो है तो हम हैं. जय हिंद. As you all know, the armed forces sacrifice their lives for protecting the nation. They stay away from their family to protect the nation. On 7th of December, the nation shows its solidarity for the soldiers by celebrating the Armed Forces Flag Day. This day can be celebrated by wearing the following flag, and it represents Navy, Army and Air Force. These flags are available
at the following website. You can print them and wear it. It's available at ksb.gov.in. There is also a special fund where you can contribute. It's called Armed Forces Flag Day Fund, where you can contribute, which is used for the rehabilitation and welfare of the war widows, children and the disabled soldiers. So please go to the following website, ksb.gov.in, and please contribute. Jai Hind. Namaste. मैं भारतीय सेना के लिए दो शब्द बोलना चाहूंगी। हम अपने भारतीय को सेना के लिए दिल से धन्यवाद करना चाहते। भारतीय सेना की सहायता से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं बड़े होकर भारतीय सैनिक बनना चाहूंगा। मैं चाहूंगा आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा युवा भारतीय सेना से जुड़े, ताकि हमारा देश आगे बढ़े और हमारा देश सुरक्षित रहे। हम भारतीय सेना का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वे हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। भारतीय सेना अपने परिवार को छोड़कर हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। हम उन सैनिकों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमारे देश के लिए शहीद हुए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। There is a special fund, the Armed Forces Flag Day Fund, where you can contribute towards the rehabilitation and welfare of war widows, children of martyrs and disabled soldiers. Let us come together and do our part for the nation's heroes. સોશિયલ મીડિયા ડેસ્ક પરથી અતુલ પટેલનો રિપોર્ટ, દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ.